नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करके सहारनपुर की। सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित यहां पर चुनाटी फाटक के पास एक अज्ञात वाहन की तेज रफ्तार ने बताया जा रहा है यहां पर एक महिला की यहां पर जो है महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यहाँ पर महिला की दर्दनाक मौत हुई है। गुस्साए यहाँ पर महिला के परिजनों ने ग्रामीण वासियों के साथ मिलकर रोड पर इकट्ठा होकर जाम लगा दिया था और वहीं घटना की यहाँ पर सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। ग्रामीणों से यहाँ पर बात कर उचित कार्रवाई करने की यहाँ पर पुलिस ने उनसे जो है यहाँ पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया, उसके बाद ही जाम को खोला गया। जी आपका नाम? वेदपाल। क्या मामला हुआ? ये एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, डंपर ने टक्कर मारी पीछे से और बहुत दूर के बाद चिकलिया उसके छह जड़े कर दिए कतई। अगर जा कब का मामला है? ये दो घंटे पहले है, दो घंटे पहले है और एम्बुलेंस भी दो घंटे डेढ़ घंटे बाद आई यहाँ से। प्रशासन इसमें कोई लापरवाही कर रहा, पूरी ढील कर रखी। कौन से गांव के? जंदेड़ा समसपुर के। और प्रशासन ने यहाँ से डंपर भी अपने उससे भिजवा दिया, थाने में भिजवा दिया। अब जाओ लेते जाओ, डंपर को कुछ नहीं होगा, लाश हम उठा के ला रहे। प्रशासन हमारे लिए, जिन चमारों के लिए या गरीब बस्ती के लिए, इन यहाँ से पूरा इस प्रशासन ने वो काम किया है। और हमारे बहनों कहते हैं घंटे हटाओ, जो कुछ होगा थाने में हो जाएगा। अरे जो अभी होगा यहाँ से जो होना है, बाद में कुछ नहीं होगा। क्या नाम था इनका? इनका नाम था संगीता, संगीता था। इसके मालिक का नाम था प्रदीप। तो ये रामपुर अपनी साली का सामान लेके जा रहे थे, वहाँ पल्ली साइड में थे, पीछे से डंपर आया, डंपर वाले का फोन आया और उसने इस पर साइड मारी। ये औरत इधर गिर गई, वो लड़का परे गिरा। क्या डंपर वाला पकड़ा गया? डंपर वाले दोनों भाग गए। रामपुर मनिहारन क्षेत्र में जो एक्सीडेंट हुआ है, एक महिला की मौत हुई है, परिजनों ने जाम लगाया। उनका कहना है कि सूचना के बाद भी पुलिस जो है वो लगभग डेढ़ घंटे बाद वहां पहुंची। जी जैसे ही हमें सूचना मिली है वैसे ही ये है कंट्रोल के माध्यम से थाना प्रभारी रामपुर को ये पास हो गया था। फोर्स मौके पर पहुंच गई थी, यह सूचना करीब 10:30 बजे मिली है। और इनफैक्ट जो वहां पे ट्रक ड्राइवर था, जिस ट्रक से ये महिला कुचल के जिसकी मृत्यु हुई है, उस ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है। ट्रक ड्राइवर का भी मुझे मानना है कि ट्रक ड्राइवर को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।